हेलो दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल स्पेशलिटी केमिकल्स की। अगर शेयर की बात करें तो 6.5% की बढ़िया रैली आई थी फ्राइडे को और 26 मिलियन के शेयर्स भी हमारे ट्रेड हुए थे। आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछला हफ्ता हमारा काफी कुछ बढ़िया रहा है। 44 रुपीज के आसपास से स्टार्ट हुआ था हमारा वीक एंड ऑल द वे टू 49 रुपीज का हाई लगाया है स्टॉक ने। स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनी हुई है। बाजार का मूड वहीं पर नेगेटिव होता जा रहा है लगातार। इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वीक में यानी कल से 10 तारीख से लेकर के 15 के बीच में हमारा स्टॉक किस तरह से ट्रेड करने वाला है, स्टॉक का मूड क्या है मोस्ट स्पेसिफिकली, और स्टॉक मार्केट का मूड क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी कुछ इन्फ्लुएंस करने वाला है जिस सीएल को हमारे हफ्ते में भी। तो बात करेंगे दोनों के ही, चलिए शुरू करते हैं। क्या नया टारगेट हो सकता है हमारा हफ्ते का, क्या हो सकता है इसमें लॉन्ग टर्म का टारगेट और शॉर्ट टर्म का, वो भी बात करेंगे साथ में ही। चलिए स्टार्ट करें, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सबसे पहले मार्केट की, क्योंकि मार्केट हमारा एक बड़ा फैक्टर हो चुका है इस समय पर, जिससे कि हमारा बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है। सबसे बड़ा जो फैक्टर इस समय पर है, जो डर का माहौल बना रहा है, वो है कोविड-19। और कोविड-19 में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते में अगर आप देखो तो कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के घर वालों ने अपनी जान गंवाई है और इसी वजह से डर का माहौल थोड़ा सा ज्यादा है। जब भी ऐसा होता है तो वहां पर डर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और 2 दिनों की लंबी छुट्टी उसके बाद लोगों ने टीवी वगैरह काफी देखा है, तो मंडे को ट्यूसडे को लगभग यहां पर गिरावट के चांसेस बन रहे हैं फिर न्यूट्रल मार्केट का। एक चीज आपको यहां पर देखना पड़ेगा, उसकी भी बात करेंगे हम यहां पर, बट एक नई अच्छी खबर है हमारे सामने, वो है कि जाइडस कैडिला कोविड-19 वैक्सीन, इनको अप्रूवल के लिए यहाँ पर डाला गया है। तीसरे जो फेज 3 का ट्रायल था वो भी इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, डेटा एनालिसिस प्रोसेस में है और जो हमारे ड्रग रेगुलेटरी है उसको इन्होंने डेटा सबमिट भी कर दिया है। अब वहां से 5 से 6 दिनों में मैक्स टू मैक्स यहाँ पर इनका ऑथोराइजेशन आ जाएगा ताकि ये लोगों को वैक्सीन दे सकें। 3 डोज वैक्सीन होने वाला है, जैसे बाकी 2 डोज वैक्सीन ही, ये 3 बार लगाई जाएगी। कॉस्ट में थोड़ा सा कम है ये लोग और इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी फायदेमंद वैक्सीन हमें देखने को मिल रही है। वैसे भी इंडिया के पास वैक्सीनेशन थोड़ी सी कम है और ऐसे में अगर कोई नई कंपनी आती है, वैसे इंडियन कंपनी ही है जहां तक मुझे लगता है, तो वो उसका काफी फायदा हमें मिलने वाला है आने वाले दिनों में। अब ये तो है पॉजिटिव खबर जो कोरोना से रिलेटेड है। जो एक नेगेटिव खबर है हमारे सामने उससे भी बात करें मार्केट से रिलेटेड, तो वो ये है कि लगातार कोविड-19 से जुड़े हुए लोगों में या फिर जो रिकवर कर चुके हैं उनमें म्यूकोरोमाइकोसिस करके एक नई बीमारी आई है, ब्लैक फंगस भी कह सकते हो आप इसे, और ये पाई जा रही है। इसमें साइनसिस पर अटैक होता है एंड देन आंखों में फैल जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। 40 केसेस अभी तक सूरत में आए हैं। लास्ट ईयर दिल्ली में बहुत ज्यादा परेशान किया था इस बीमारी ने, इस बार गुजरात में आई है और गुजरात से मुझे लगता है कि दिल्ली में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जिस तरह से हमारा ट्रैवलिंग सीक्वेंस वगैरह होता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इस हफ्ते में क्रिएट कर सकती है। देखो कोविड-19 हमें परेशान कर रहा था, कोविड से हमने थोड़ा सा भाईचारा बनाया कि ठीक है हम अंदर रहेंगे तुम बाहर रहो, थोड़ा सा इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करेंगे, बट ये बीमारी थोड़ी सी ज्यादा डेडली है कि जिसको हो जाएगी उसको हो ही जाएगी, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन ही जाएगी और जिसके पैसा नहीं है उसके लिए और ज्यादा। और आप जानते हैं कि भारत में बहुत कम लोगों के पास उतना पैसा है कि वो अपना इलाज करवा सकें। गवर्नमेंट मशीनरी ऑल द वे हमेशा ही फेल हुई है लगभग। इस बार भी आप देखो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ही लगातार फटकार लगा रहे हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट कभी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी भी ज्यादा डांट पड़ रही है क्योंकि जितना ऑक्सीजन वो बोलते हैं उतना देते नहीं है। अभी लोगों की जान इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि कोटे में कितना जा रहा है, डिपेंड इस बात पर करेगी केसेस कहाँ पर ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा कहाँ पर यूसेज है। दिल्ली में इस समय पर 450 टन दिया जा रहा है पर डे के हिसाब से, जरूरत हमारी 900 टन की है, तो प्रॉब्लम तो है। और कर्नाटक में 1200 टन मांगा जा रहा है वहां पर डे के हिसाब से। और देखो बहुत कम सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, पॉलिटिकल नहीं जाएंगे हम। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट में नेगेटिविटी का मूड बना हुआ है। एक जो अच्छी खबर हमारे सामने है वो जाइडस वाली है। दूसरी अच्छी खबर हमारे सामने है, ये कुछ एनालिस्ट का कहना है कि स्टॉक मार्केट में 15,000 हमारे सप्ते में आता हुआ देखने को मिलेगा। 15,000 क्या है? 15,000 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है आपके लिए। 15,000 बस ये है कि हाँ ठीक है 15,000 हो गया, आपको कितना बेनिफिट मिला? मेटल सेक्टर में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। फार्मा में बहुत कम रैली है, स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत कम रैली है, HSCL हमारा बढ़ रहा है क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है हमारा, बट इस हफ्ते में 15,000 आ जाता है तो वो कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क तब होता कि ये 14 तक ही रहे, बट जो कॉन्फिडेंस मार्केट में था पिछली बार वो आना चाहिए। जब जनवरी में फरवरी में आप कॉन्फिडेंस देखो मार्केट का तो काफी अच्छा था, वो कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आना चाहिए और वही एक चीज मेंटेन नहीं हो पा रहा। मार्केट को संभाल रखा है FII DII, इसमें कोई दो राय नहीं है,
बीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 1468 करोड़ का माल भी खरीदा था 7 मई को। एफआईआई बिकवाली की थी इस दिनों में, 7 मई से 2 दिन पहले एफआईआई एफपीआई ने दोनों ही दिन वहां पर खरीदारी की थी। तो इन लोगों ने बाजार को संभाल जरूर रखा है, बट बाजार में वो कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आना जरूरी है। मार्केट में देखो नेगेटिविटी का मूड है, एचएससीएल इस समय पर थोड़ा सा पॉजिटिव है। एचएससीएल हमारा फार्मा में भी योगदान दे रहा है, हॉस्पिटलिटी में भी योगदान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स और केमिकल्स मतलब फार्मा मिला करके एचएससीएल इस बार भी ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं। अगर हम बात करें इस स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न की, तो देखो डाउन साइड पर अभी भी आपको 44.50 रुपए का सपोर्ट नहीं भूलना है किसी भी तरह से, अपर साइड पर 51 रुपए का रेजिस्टेंस जोन हमारे सामने जरूर है, और मुझे लगता है कि हफ्ते में आता हुआ देखने को मिल भी सकता है, बट मार्केट का मूड थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होगा। मैग्डी हमारा स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है और इसका फायदा भी स्टॉक को मिल रहा है। आरएसआई हमारा 65 का हो चुका है, यानी कि स्पेस थोड़ा कम है, तो 51 तक हमारा स्टॉक जा सकता है, वहां से गिरावट के चांसेस बनेंगे 2-3%, बट देन अगेन इट विल कंटिन्यूस जर्नी, तो वो ठीक ठाक है। टेक्निकल्स हमारे काफी बढ़िया है इस कंपनी के और फंडामेंटल्स तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने हमेशा रेकमेंड किया है एचएससीएल को। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट है, खबरें थोड़ी सी नेगेटिव है, चाहे जाइडस की कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार कोविड वैक्सीन नहीं है हमारे इंडिया में, एंड दूसरी खबर जो है म्यूकोरमाइकोसिस की, वो भी कहीं ना कहीं परेशान करती हुई हमें देखने को मिलेगी। और इस हफ्ते में हमने कई बड़ी पर्सनैलिटीज को भी खोया है, तो मुझे लगता है कि उसका भी असर, उसका भी एक डर है जो बाजार में देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो न्यूट्रल टू बुलिश मार्केट हमारा रहने वाला है एचएससीएल के लिए। एचएससीएल हमारा ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा, गिरावट होती है तो होल्ड करना है 45 रुपए तक, 44.50 रुपए तक की ही गिरावट होगी, इससे ज्यादा की गिरावट की संभावना आपके लिए नहीं है। यहाँ पर स्लो ग्रोथ हो सकती है, बट ग्रोथ आपके लिए एचएससीएल में रखी है, ये तय है, ठीक है। उसी का वीडियो खत्म करेंगे, खरीदारी करनी हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए 5% to 10% ही पैसा लगाना है हमें, ये नहीं भूलना है इस समय पर, क्योंकि रिस्की बाजार है हमारा, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मना है, लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हो और इतना ही पैसा जितना मैंने बताया। 51 रुपए का टारगेट इस हफ्ते का हमारा रहने वाला है, लॉन्ग टर्म का टारगेट हमेशा ही हमारा 62 to 66 रहने वाला है आने वाले 6 से 7 महीने का, 66 रुपीज तक हमारा स्टॉक आसानी से जाएगा, ठीक है। तो लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के भी मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। Go back.